सड़कों पर और तलाश में हूँ यंगून के स्ट्रीट फूड्स का, और मैं जा रहा हूँ 19th स्ट्रीट। 19th स्ट्रीट एक्चुअली यंगून का डाउनटाउन एरिया है, जिसका दूसरा नाम चाइना टाउन है, और यहाँ पे सारा स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल रहता है। ये है चाइना टाउन, चाइना के नाम से मुझे डर लग रहा है। स्ट्रीट फूड्स का मैं टूर तो जरूर करूँगा, यहाँ का नाइट मार्केट जरूर मैं देखूँगा, लेकिन देखते हैं मैं वहाँ का कुछ ट्राई करता हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ का जो फास्ट फूड है स्ट्रीट फूड्स है देख के ही डर लग रहा है। What is this? Seafood. ये एक्चुअली एक सी फूड है, लेकिन मैं इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी जो वायरस का माहौल चल रहा है उसमें सी फूड ना ही खाए तो बेहतर है। हाउ मच फॉर दिस? 1000। Do you have any veg? अभी इनका स्टॉल सज रहा है, चाइना वालों से कम नहीं है ये। This is all seafood? जब कीड़े बेच रहा था वो, तिलचट्टा था, बग था, मधुमक्खी था और बहुत सारे कीड़े थे। वाह, मज़ा आ गया देखकर। शानदार लजीज मसालेदार कीड़े। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है डूरियन फ्रूट। ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में मिलता है, इंडिया में तो मैंने कभी नहीं देखा है। फ्रूट का नाम है ड्यूरियन। Thank you.
इस स्टॉल का नाम है, इस रेस्टोरेंट का नाम है नूर बर्गर, और फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर और चिकन ब्रेस्ट, लेग पीस सारा यहाँ पे मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उस वहाँ के स्ट्रीट फूड से तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं अगली तरफ। तो शुरू करता हूँ, ये बर्मा का मेरा पहला मील है और पहली बार मैं बर्मिस फूड ट्राई करने जा रहा हूँ। और ये जो पूरा मील है ये है 1500 या 2000 बर्मिस 2004, जो अच्छी बात है, काफ़ी सस्ता है। तो शुरू करते हैं और क्या क्या खाने में मैं दिखाता हूँ आपको बारी बारी से। पहले है चावल और है दाल और अंडा फ्राइड है, चटनी और एक ऑमलेट और कुछ वेजिटेबल्स है यहाँ पे, वेजिटेबल्स है और ये और एक वेजिटेबल्स है यहाँ, कुछ सलाद है। चलते हैं अब अगले टेबल की तरफ। तो अभी मैं आ गया हूँ एक फ्राइड चिकन शॉप में। यहाँ पे चिकन का बहुत सारा फ्राइड आइटम्स है। पहले मैं डर गया था, यहाँ पे 1200 बता रहा था, लेकिन 1200 ये 1200 1500 हमारा ज़्यादा नहीं है। 1200 मतलब हमारा 60 रुपया, 1500 यानी हमारा 75 रुपया और 1000 रुपया यानी हमारा 50 रुपया। तो इस फ्राइड चिकन शॉप में हूँ मैं, ये ऑर्डर दिया हूँ, इसका है 1200 म्यांमार चार्ज, जो हमारा पड़ता है 60 रुपया और यहाँ पे रेडी भी है। थैंक यू भाई, और भी आइटम्स मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ओके, तो चलते हैं अगले तरफ। तो आते हैं मेन कोर्स की तरफ और मैं अभी आया हूँ लंच के लिए। और इस पास में एक रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट का नाम है, आपको पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए, मुझे पढ़ना नहीं आता। ये रेस्टोरेंट एक्चुअली बेसिकली सी फूड के ऊपर बेस्ड है और मैं थोड़ा, मुझे अटपटा सा लग रहा है, मुझे खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। खैर मैंने ऑर्डर दे दिया तो लस्सी। यहाँ पे आप हिल्सा भी खा सकते हैं, जिसको हम बंगाली में इलिश मछली कहते हैं। जी हाँ, म्यांमार में इलिश बहुत फेमस है। तो मैंने पहले इलिश ऑर्डर किया था, हिल्सा ऑर्डर किया था, लेकिन हिल्सा अवेलेबल नहीं है और बाकी क्रैब व्रैब तो मुझे खाना नहीं है और जैसे ऑक्टोपस, सी फूड, स्क्विड वगैरह ये सब तो मुझे छूना भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही वॉर्न्ड हूँ। तो
सिर्फ एंड साइड चिकन फ्राइड राइस ही ऑर्डर है क्योंकि बाकी सारा खाने लायक है नहीं। राइस से भी रूबरू है, चिकन से भी रूबरू है, तो लेट्स सी। ऑर्डर किया हूँ और टेस्टी है, डाइजेस्टेबल भी है, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा ऑर्डर, अब चलते हैं अगली तरफ। तो अभी मैं आया हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन तड़का। मेरे हॉस्टल से ठीक 200 या 300 मीटर दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे हॉस्टल से। और थोड़ा बहुत खोजने के बाद मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही गया। Staying up to forget, but baby, we'll fall.